इस वीडियो में हम क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स एक्सरसाइज 6.3 की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब देखिए वंस डिजिट कौन सी होती हैं जिनको हम यूनिट डिजिट भी बोल सकते हैं। अब देखिए 9801 की लास्ट डिजिट जो है वो 1 है। ये जो नंबर है इनके जो स्क्वायर रूट होंगे, तो सबसे पहले जो है हम स्क्वायर रूट क्या होता है उसको जानेंगे। तो देखिए 4 = 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 है, या 2 जो है वो 4 का स्क्वायर रूट है। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि नंबर के स्क्वायर रूट होंगे उसकी वंस डिजिट क्या होगी। यहाँ पर हमने 1 से लेकर 10 तक के नंबर लिखे हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर जो है 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100 है। यदि 1 नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट जो है वो 1 है, यदि 4 नंबर है तो उसका जो है स्क्वायर रूट जो है वो 2 है, यदि नंबर 9 है तो उसका स्क्वायर रूट जो है वो 3 होगा। तो इस प्रकार से जो है उनके स्क्वायर रूट होते हैं। अब देखिए, अब हम यहाँ 9801 की लास्ट डिजिट से देखेंगे, जो हमारा स्क्वायर रूट होगा उसकी लास्ट डिजिट क्या होगी। अब देखिए 9801 में लास्ट डिजिट क्या है। देखिए 9801 में लास्ट डिजिट जो है वो 1 है। अब हम इसमें चेक करते हैं जो हमारे पास स्क्वायर हैं, इसमें कौन कौन से स्क्वायर की लास्ट डिजिट 1 है। तो देखिए एक 1 के स्क्वायर की जो है लास्ट डिजिट 1 है, और दूसरे जो है 9 की जो है लास्ट डिजिट जो है वो 1 है। तो इसका मीन्स हुआ 9801 का स्क्वायर रूट जो होगा उसकी लास्ट डिजिट जो होगी वो 1 और 9 होगी। तो यहाँ हम राइट कर देंगे 1 और 9। सेकेंड पार्ट है 99856 की लास्ट डिजिट क्या है। तो देखिए 99856 की जो लास्ट डिजिट है वो 6 है। तो हमें जो है यह चेक करना है यहाँ पर किस किस की लास्ट डिजिट जो है वो 6 है। तो देखिए इसमें देखेंगे कि एक तो 4 की जो है लास्ट डिजिट जो है वो 6 है, और 6 की जो है लास्ट डिजिट जो है वो 6 है। इन दोनों के लास्ट में जो है वो 6 है। 99856 का स्क्वायर रूट होगा और उसकी जो लास्ट डिजिट होगी तो वो जो है 4 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है। थर्ड पार्ट है 99801 की लास्ट डिजिट जो है वो 1 है। अब देखिए इसे जो है हम
इस स्क्वायर में हम चेक करेंगे किस किस नंबर की जो है लास्ट डिजिट जो है वो वन आ रही है। अब देखिए वन स्क्वायर की जो है लास्ट डिजिट जो है वो वन है और नाइन की जो है लास्ट डिजिट जो है वो वन है। तो 998001 का जो स्क्वायर रूट होगा उसकी जो लास्ट डिजिट आएगी वो या तो वन होगी या फिर नाइन होगी। फोर्थ पार्ट है 6576602 5। अब देखिए इसकी लास्ट डिजिट क्या है, वो फाइव है। ठीक है, अब हमें यह चेक करना है कि यहाँ पर किस किस की लास्ट डिजिट जो है वो फाइव है। तो देखिए इधर हम चेक करते हैं तो देखो फाइव की जो है वो लास्ट डिजिट जो है वो फाइव है। तो 6576602 5 का स्क्वायर रूट होगा और उसकी जो लास्ट डिजिट होगी वो फाइव होगी। क्वेश्चन नंबर टू, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर स्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। बिना कैलकुलेशन किए वह नंबर्स बताइए जो वास्तव में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो देखिए हम जो है एक से लेकर 10 तक की संख्याओं के जो है हम स्क्वायर फाइंड करेंगे। अब देखिए 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर एंड 2 जा 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100। अब देखिए इन स्क्वायर के जो है हम वंस प्लेस को राइट कर लेंगे। तो इनके जो है वंस प्लेस हो गए हमारे 1, 4, 9, 6, 5। ठीक है, अब देखिए और 0। अब देखिए जो ये नंबर आए जिन संख्याओं के लास्ट में आएंगे तो वह नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर होगा, और यदि ये नंबर जो है जिन संख्याओं के लास्ट में नहीं आएंगे तो वह नंबर जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब देखिए फर्स्ट पार्ट है 153। अब इसकी लास्ट में जो है 3 नंबर है और इस 3 नंबर को इस नंबर में देखेंगे कि है कि नहीं। तो देखिए इसमें जो है 3 नंबर नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि 153 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। सेकेंड पार्ट है 257। 257 का हम लास्ट नंबर देखेंगे 7 है, और इस 7 नंबर को जो है इन नंबरों में हम चेक करेंगे कि है कि नहीं है। अब हम इस पर देख रहे हैं कि 7 नंबर नहीं है, तो ये भी नंबर भी जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। थर्ड नंबर है 408। अब देखिए 408 का लास्ट नंबर देखेंगे 8 है, और 8 को भी हम चेक करेंगे कि वह इन नंबरों में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए हम इस नंबर में देख रहे हैं तो 8 जो है नहीं आ रहा, तो ये नंबर भी जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इसके आगे लिख देंगे इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। फोर्थ पार्ट है 441। अब देखिए 441 का
लास्ट नंबर देखेंगे वन आ रहा है, और वन को जो है इन नंबरों में चेक करेंगे कि है कि नहीं है। तो देखिए वन नंबर जो है इन नंबरों में है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो 441 क्या है, पर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इट इज परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। इस क्वेश्चन में हमें जो है 100 और 169 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड के द्वारा। तो देखिए रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड क्या होता है कि जिस नंबर का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है उस नंबर में से जो है हम ऑड नंबर को माइनस करते रहते हैं, और तब तक माइनस करते रहते हैं जब तक जीरो ना आ जाए। अब देखिए इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे, तो देखिए पहला नंबर है हमारा 100। अब 100 में से जो है ऑड नंबर को माइनस करेंगे, तो सबसे पहले जो है हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, पहला ऑड नंबर होता है हमारा 1। अब देखिए यहाँ पर पहले ऑड नंबर को लिख लेंगे हम, तो देखिए ऑड नंबर होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला ऑड नंबर है हमारा 1, तो 100 में से जो है हम 1 माइनस कर देंगे, बचा हमारा 99। अब अगला ऑड नंबर होता है 3, तो 99 में से 3 माइनस कर देंगे, तो बचे हमारे 96। अब देखिए अगला ऑड नंबर है हमारा 5, तो 96 में से 5 माइनस कर देंगे, बचे हमारे 91। अब देखिए अगला ऑड नंबर है हमारा 7, तो 91 में से 7 माइनस कर देंगे, तो बचेंगे हमारे 84। और अगला ऑड नंबर है हमारा 9, तो 84 में से 9 माइनस कर देंगे, तो बचेंगे हमारे 75। अब अगला ऑड नंबर है हमारा 11, तो 75 में से 11 माइनस कर देंगे, तो बचेंगे हमारे 64। अब देखिए अगला ऑड नंबर है हमारा 13, तो 64 में से हम 13 माइनस कर देंगे, तो हमारे बचेंगे 51। अब देखिए इसके आगे का जो है मैं यहाँ राइट कर लेता हूँ 51। अब अगला ऑड नंबर है हमारा 15, तो 51 में से 15 माइनस कर देंगे, तो बचेगा हमारा 36। अब देखिए 15 से अगला नंबर है हमारा 17, तो 36 में से जो है हम 17 माइनस कर देंगे, तो बचेगा जो है 19। अब देखिए 17 से आगे ऑड नंबर होता है 19, तो 19 में से 19 माइनस कर देंगे, तब बचेगा हमारा 0। तो देखिए तब तक हम 0 माइनस करते रहेंगे जब तक 0 नहीं आता। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारा 0 आ गया, तो हमारा जो है इसका स्क्वायर रूट फाइंड हो गया। तो किस प्रकार से स्क्वायर रूट फाइंड हुआ, जितने बार जो है ऑड नंबर माइनस किया है उसको हम काउंट कर लेंगे। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 बार जो है ऑड नंबर माइनस हुआ है, तो इसकी स्टेप हो गए हमारे 10। तो 100 का जो है स्क्वायर रूट्स आ गया 10, तो यहाँ हम राइट कर देंगे 100 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 10।
ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से हम 169 का निकालेंगे, अब देखिए 169 में से जो है माइनस करते हुए चलेंगे। सबसे पहला ऑड नंबर होता है हमारा 1 माइनस कर देंगे तो 1 माइनस किया 169 में से 168 बचा। अगला ऑड नंबर होता है 3 माइनस कर देंगे 168 में से तो बचा हमारा 165। अब अगला ऑड नंबर होता है 5 माइनस कर देंगे 165 में से तो बचा हमारा 160। अगला ऑड नंबर होता है 7 तो 160 में से जो है 7 माइनस कर देंगे तो बचेगा हमारा 153। अब जो है अगला ऑड नंबर होता है हमारा 9 तो 9 जो है 153 में से माइनस किया तो बचा हमारा 144। अगला ऑड नंबर होता है हमारा 11 तो 144 में से 11 माइनस कर देंगे तो बचेंगे हमारे 133। और 133 में से जो है अगला ऑड नंबर 13 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा 120। अब अगला ऑड नंबर होता है हमारा 15 तो 120 में से 15 माइनस कर देंगे तो बचे हमारे 105। और अगला ऑड नंबर होता है हमारा 17 तो 17 जो है 105 में से माइनस कर देंगे तो बचेंगे हमारे 88। अगला ऑड नंबर होता है हमारा 19 तो 88 में से 19 माइनस किए तो बचे हमारे 69। और अगला ऑड नंबर होता है हमारा 21 तो 69 में से 21 माइनस करेंगे तो बचेंगे हमारे 48। अब अगला ऑड नंबर होता है हमारा 23 तो 48 में से 23 माइनस किए तो बचे हमारे 25। अब अगला ऑड नंबर होता है हमारा 25 तो 25 में से 25 माइनस किए तो 0 आ गए। तो देखिए कितने स्टेपों में जो है 0 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 स्टेपों में जो है 0 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर कितना हुआ, ऑप्टेन 0 एट 13th स्टेप। तो देयरफॉर रूट 169 का हो गया 13 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नीचे जो है हमें कुछ नंबर दिए हुए हैं, उनके जो है स्क्वायर रूट्स फाइंड करने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। तो देखिए प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो केवल अपने ही टेबल से कैंसिल होते हैं, उन्हें जो है प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 11 ये सभी जो है हमारे प्राइम नंबर हैं। अब देखिए यहाँ पर पहला नंबर गिवन है हमें 729, तो इसे जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब देखिए 729 के जो है हम फैक्टर करेंगे। अब देखिए ये नंबर जो है हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसे हम जो है हम 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 2 6 बचा 1 हमारा हो गया 12, 3 4 12, 3 3 9। फिर अगेन 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 8 24, 3 1 3। फिर अगेन 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 2 6 बचे हमारे 2 हो गए 21, 3 7 21। फिर अगेन 3 से डिवाइड हो रहा है 3 9 27। फिर अगेन 3 से डिवाइड हो रहा है 3 3 9,
थ्री वन जा थ्री। अब देखिए 729 को जो है स्क्वायर रूट में लिखेंगे इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में जो है जो हमारे फैक्टर करके नंबर आए उनको भी जो है हम स्क्वायर रूट में लिखेंगे। कितनी बार थ्री हैं? 1 2 3 4 5 6 सिक्स बार थ्री हैं, तो 1 2 3 4 5 6 है। अब देखिए पेयर्स बनाएंगे हम थ्री के, तो 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर। अब इस स्क्वायर रूट्स में से जो है हम इसे जो है हम बाहर लिखेंगे तो पेयर्स को जो है हम एक बार लिखेंगे। अब देखिए पहले पेयर को हमने एक बार लिख लिया, दूसरे पेयर को एक बार लिख लिया, और तीसरे पेयर को एक बार लिख लिया। अब तीनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 3 9 9 3 27 तो 729 का स्क्वायर रूट आया 27। सेकेंड पार्ट है 400। अब जो है हम 400 का स्क्वायर रूट्स निकालेंगे। अब देखिए इसके लास्ट में जो है जीरो है, तो ये जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 जा 4 0 0, फिर अगेन 2 6 2 1 जा 2 0 0, 2 5 जा 10 0, 2 2 जा 4 2 5 जा 10। अब देखिए इसके लास्ट में जो नंबर आया 5 आया, तो ये नंबर जो है 5 से डिवाइड होगा। 5 5 जा 25 5 1 जा 5। 400 को जो है हम स्क्वायर रूट में लिखेंगे, और जो फैक्टर आए इनको भी जो है हम स्क्वायर रूट में लिखेंगे। 2 कितनी बार है? 1 2 3 4, 2 जो है 4 टाइम है। 2 मल्टीप्लाई 2 3 4, 2 हमने 4 टाइम लिख लिए, और 5 जो है 2 बार हैं, तो 5 जो है 2 बार लिख लेंगे। अब इनके जो है हम पेयर्स बनाएंगे, पेयर्स बनाने के बाद जो है जब स्क्वायर रूट्स में से जो है हम बाहर लिखेंगे इन नंबर को, तो पेयर्स को जो है हम एक बार लिखेंगे। तो देखिए इस पेयर्स का 2 आ गया, अगले पेयर्स का 2 आ गया, और इस पेयर्स का जो है 5 आ गया हमारा। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 जा 4 4 5 जा 20, तो 400 का स्क्वायर रूट आ गया हमारा 20। थर्ड पार्ट है, अब देखिए इसके फैक्टर करेंगे हम। अब देखिए इस नंबर के लास्ट में जो है 4 आ रहा है, अब 4 जो है वो 2 से डिवाइड होता है, तो इस नंबर को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 8 जा 16, बचा 1 हो गया 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, फिर अगेन 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब देखिए अब इसके लास्ट में 1 आ रहा है, तो ये जो है 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, बचे 1 हो गए 14, 3 4 जा 12, बचे हमारे 2 हो गए 21, 3 7 जा 21, फिर अगेन 2 3 से डिवाइड होगा, 3 4 जा 12, बचे हमारे 2 हो गए 27, 3 9 जा 27। अब देखिए ये आया 49 जो है वो 7 की टेबल में आता है, तो ये नंबर जो है 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। अब देखिए 1764 को स्क्वायर रूट में लिखेंगे इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, अब इन फैक्टरों को जो है हम स्क्वायर रूट में लिखेंगे। 2 जो है 2 बार हैं, 1 2, 3 भी 2 बार हैं, 1 2, 7 भी 2 बार हैं, 1 2। अब जो है इनके पेयर्स बनाएंगे,
टू का पेयर बन गया हमारा, थ्री का पेयर बन गया और सेवन का पेयर बन गया। अब स्क्वायर रूट में से जो है इस पेयर को जो है बाहर निकालेंगे तो एक बार लिखेंगे। अब टू के पेयर्स को जो है एक बार लिखेंगे, थ्री के पेयर्स को एक बार लिखेंगे और सेवन के पेयर्स को भी एक बार लिखेंगे और तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। थ्री टू जा सिक्स, सिक्स सेवन जा 42, तो 1764 का स्क्वायर रूट आ गया 42। फोर्थ पार्ट है 4096। अब इसके जो है फैक्टर करेंगे, 096 लास्ट में 6 है, 2 से जो है डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टू जा 4 0, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 1 जा 2 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 बचा 1 हो गया 11, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर अगेन 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 6, अगेन 2 से 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर अगेन 2 से 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अगेन 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, अगेन 2 से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 4096 को जो है हम स्क्वायर रूट में लिखेंगे इजिकल टू, और इन फैक्टरों को भी जो है हम स्क्वायर रूट में लिखेंगे। अब देखिए टू देखेंगे कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टू जो है 12 टाइम आया है, तो हम इसे स्क्वायर रूट में लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए इसके हम अब पेयर बनाएंगे, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर 5 पेयर 6 पेयर। अब इस स्क्वायर रूट में से जो है इस पेयर को जो है हम बाहर निकालेंगे तो उसे टू को एक बार लिखेंगे। अब देखिए इस पेयर को एक बार लिखेंगे, 2 3 4 5 6 बार टू आया। अब इन सभी की जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 और 32 2 जा 64, तो 4096 का स्क्वायर रूट आ गया 64। अब देखिए फिफ्थ पार्ट है 7744 का जो है हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। पहले इसके जो है हम फैक्टर करेंगे, 2 से जो है ये डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 3 जा 6 बचे 1 हो गए 17, 2 8 जा 16 बचे 1 हो गए 14, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, अगेन 2 से 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 बचे 1 हो गए 12, 2 6 जा 12, अगेन 2 से 2 9 जा 18 बचे 1 हो गए 13, 2 6 जा 12 बचे 1 हो गए 16, 2 8 जा 16, फिर अगेन 2 से 2 4 जा 8 बचे 1 हो गए 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर अगेन 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर अगेन 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब ये देखिए 11 से डिवाइड होगा, 11 बन जाए 11, 11 बन जाए 11, 11 बन जाए 11, 7744 को जो है हम स्क्वायर रूट में लिखेंगे इजिकल टू, और जितने फैक्टर आए उन्हें भी जो है हम
स्क्वायर रूट में लिखेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 है, 2 जो है 6 बार आए, 1 2 3 4 5 6, 11 जो है 2 बार आए हैं, तो 1 2। अब इनके जो है हम पेयर्स बनाएंगे, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर और फिर 11 का पेयर। अब जो है स्क्वायर रूट्स में से जब नंबर को हम बाहर निकालते हैं तो पेयर्स को जो है एक बार लिखते हैं। तो देखिए इस पेयर का 2 आ गया बाहर, अगले पेयर का 2 आ गया बाहर, फिर अगले पेयर का 2 बाहर आ गया, और फिर 11 के पेयर का जो है 11 बाहर आ गया। अब देखिए इन सभी नंबरों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 4 4 2 8, 11 8 88, 7744 का स्क्वायर रूट आ गया 88। सिक्स पार्ट है, 9604 के भी हम फैक्टर करेंगे। अब देखिए ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 8 2 8 16 0 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 4 8 0 2 1 2। अब देखिए ये 7 से डिवाइड होगा, 7 3 21 बचे हमारे 3 हो गए 30, 7 4 28 बचे हमारे 2 हो गए 21, 7 3 21। फिर अगेन 7 से 7 4 28, अब बचे हमारे 6 हो गए 63, 7 9 63, अगेन 7 से डिवाइड, 7 7 49 7 7। 9604 को जो है हम स्क्वायर रूट में लिखेंगे और इन फैक्टरों को भी जो है हम स्क्वायर रूट में लिखेंगे, 2 2 7 7 7 7। अब जो है पेयर्स बनाएंगे, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर। अब इन स्क्वायर रूट में से जो है हम नंबर को बाहर करेंगे तो पेयर को जो है एक बार लिखेंगे। तो इस पेयर का 2 आ गया एक बार, इस पेयर का 7 आ गया एक बार, और इस पेयर का 7 आ गया एक बार। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 7 49 49 2 98, इसका स्क्वायर रूट आ गया 98।